मानव चेतना सभी जीवों में, सभी प्राणियों में सर्वोच्च चेतना है, और बाकी चेतनाओं से जो एक खास फर्क है वो है समझ का। मानव चेतना ही सभी प्राणियों में एक ऐसी चेतना है जो साधक हो सकती है। तो मानव की जो चेतना है, अगर विभिन्न प्रकार की चेतनाओं से धीरे 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 बनी है, तो मानव चेतना में सभी प्रकार की चेतनाओं का सामूहिक एक साथ प्रेजेंस है, एक साथ मौजूद है मानव चेतना में, सुषुप्त अवस्था में या थोड़ी बहुत चेतना के साथ, लेकिन वो सब वहां मौजूद है। और जब मानव की मृत्यु होती है, मनुष्य की मृत्यु होती है, और वो जो चेतना है जिसमें सभी प्रकार की चेतनाएं पहले से मौजूद हैं, वो इसी हवा में रह जाती हैं, इसी वातावरण में रह जाती हैं, ब्रह्मांड में रह जाती हैं, जिसे आप सोल कहिए या कुछ भी कहिए, आत्मा कहिए, वो चेतना का जो स्वरूप है जिसमें वो सब चेतनाएं और वो सब कंपने जो ऑलरेडी मौजूद हैं, वो वातावरण में रह जाती हैं, यहीं पर रह जाती हैं, और शरीर अपने 5 तत्वों में मिल जाता है। और जब मनुष्य का शरीर मृत्यु के बाद अपने असली स्वरूप में उन्हीं 5 तत्वों में लीन हो जाता है, उसके बाद आत्मा इस वातावरण, इस ब्रह्मांड में रहती है। और जब एक नए बच्चे का जन्म होता है, तो ये आत्मा उसमें प्रविष्ट करती है। अगर आत्मा बच्चे में प्रविष्ट ना करे, तो बच्चा जब पैदा होता है तो हम कहते हैं कि मृत बच्चा पैदा हुआ है, और अगर आत्मा है, जीवित है, तो बच्चा जीवित पैदा हुआ है। और वो आत्मा अपने साथ वो सब चेतनाएं, वो सब कंपने जो पहले शरीर ने पकड़ी थी, जिस शरीर में वो आत्मा थी, उसके साथ वो प्रविष्ट होती है। और फिर उसके बाद समाज के हिसाब से, सामाजिक अनुबंधनों के हिसाब से, सोसाइटी की कंडीशनिंग के हिसाब से, परवरिश के हिसाब से मस्तिष्क डेवलप होता है, बुद्धि का विकास होता है, लेकिन वो सब कंपने भी मौजूद है। इन दोनों के मिश्रण से जब भी हम किसी भी चीज के साथ ट्यूनिंग करते हैं, हमारा मस्तिष्क चीजें, दूसरी सब कंपने भी वातावरण में उपलब्ध है, और वो जो कंपने हैं, वो कंपने, वो वाइब्रेशंस 3 प्रकार की हैं। एक व्यक्तिगत वाइब्रेशंस, व्यक्तिगत कंपने, सामूहिक कंपने और ब्रह्मांडीय कंपने। सामूहिक कंपने वो कंपने हैं जो एक विशेष प्रकार के समूह से पैदा होती हैं, जैसे हिंसक जीव और अहिंसक जीव, दोनों की अलग अलग प्रकार की वाइब्रेशंस हैं, और मानव चेतना में वो दोनों प्रकार की हैं। तो वो सामूहिक चेतना का विकास करती हैं। व्यक्तिगत चेतना वो चेतना है जो पुनर्जन्म से पहले की चेतना के साथ आपका जन्म हुआ है, और सामूहिक चेतना जो वातावरण में उपलब्ध है, और ब्रह्मांडीय चेतना, ब्रह्मांडीय चेतना नक्षत्रों, ग्रहों जैसे सूर्य, चंद्रमा और दूसरे ग्रह, इनकी वाइब्रेशन से पैदा होती है। तो ये सब 3 प्रकार की कंपने उपलब्ध हैं, कुछ व्यक्तिगत हैं, कुछ सामूहिक हैं, और ब्रह्मांडीय हैं। तो हमारी कंपनों के हिसाब से और हमारे मस्तिष्क की परवरिश के हिसाब से हम अपनी ट्यूनिंग करते हैं, अपना दूसरी कंपनों के साथ ध्यान लगाते हैं और उन कंपनों को पकड़ते हैं।
आपने किसी स्वस्थ व्यक्ति को देखा, आप निर्बल हैं, तो वो कंपन पकड़ेगी और समस्या का जन्म होगा। इसी प्रकार से आपने किसी अमीर व्यक्ति को देखा, किसी बड़ी गाड़ी को देखा, किसी बड़े घर को देखा, आपके पास वैसा नहीं है तो कंपन पैदा होगी। और इसी प्रकार से हजारों लाखों तरह की अलग अलग तरह की कंपने, अलग अलग तरह की वाइब्रेशंस जो ब्रह्मांड में मौजूद हैं, उन सब की ट्यूनिंग से मस्तिष्क द्वारा हम उन कंपनों को इनवाइट करते हैं, हम उन कंपनों को बुलाते हैं, उन कंपनों को स्वीकार करते हैं, अपने अंदर आत्मसात करते हैं और समस्याओं का जन्म होता है।